सो बेसिकली मैं मैंडेट इसका क्लियर दोबारा से बताऊं. सो हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चियों को काम पे लगाएं. सो उसके तहत फारिग बच्चियों को काम पे लगाएं, क्योंकि तकरीबन 50% आबादी का हिस्सा है और मोस्टली आबादी आपकी यूथ पे मुश्तमिल है. 70% के करीब जवान बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं जिनको काम करने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है. सो ऑल पाकिस्तान वुमेन मूवमेंट का ड्रीम क्या है, मैंडेट क्या है, विजन क्या है, कि हम लोगों को बेसिक स्किल्स, बेसिक लाइफ स्किल्स, बेसिक बिजनेस स्किल्स, बेसिक एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के ऊपर छोटी छोटी ट्रेनिंग्स दें ऑनलाइन एंड ऑन ग्राउंड, ताकि वो घर बैठकर काम कर सकें. सो अभी भी हमारा 12 वीक्स का एक बूट कैंप चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ ट्रेनर्स हैं और वो ट्रेन करते हैं. हमारा तकरीबन साल में 2 बूट कैंप्स होते हैं जिसका नाम हमने रखा है आओ कारोबार करें. और होम बेस्ड बिजनेसेस ओनर जो ओनर्स हैं, जो ख़वातीन हैं जो घर पे बैठी हैं और अपने कारोबार को स्केल करना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, हम उनको सिखाते हैं कि आप इसको किस तरह से मार्केट कर सकते हैं घर बैठे हुए. अच्छा, जब कौन कौन से, बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन देख रही होंगी और ऑब्वियसली नई घर से बाहर निकलती होंगी तो कोशिश करती होंगी घर बैठ के कुछ शुरू कर लें, तो कौन कौन सा काम कर सकते हैं बहुत ईजीली ख़वातीन? इकरा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमारे माशरे को और हम सबको, और एक्सेप्ट करने की भी, कि हमारी हर बच्ची जॉब नहीं कर पाएगी. एक तो मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हिंडर करेंगे उसकी जॉब करने की एबिलिटी को या जॉब तक जाने को. फॉर एग्जांपल मोबिलिटी, अभी विद द रीसेंट फ्यूल प्राइसेस मोबिलिटी हैज़ बिकम एन इशू. पहले भी था, अब तो और बड़ा इशू हो गया. अनलेस वेमेन ऑन व्हील्स वाला इनिशिएटिव जो है, जो ख़वातीन बाइक्स पे या स्कूटीज पे कम्यूट स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी की बड़ी चैलेंजिंग है. जॉब्स की नौयत डिफरेंट तरह की है. फ्लेक्सिबिलिटी और वर्किंग आवर्स नहीं है, 9-10 घंटे निकालना बहुत मुश्किल है एक लड़की के लिए, और स्पेसिफिकली जब वो एक शादी के बाद एक पूरे घराने की जिम्मेदारी भी लेती है. और इसी तरह से बच्चों के साथ इतने टाइम को लेकर चलना जॉब्स के लिए, या रिटर्नशिप प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं कि आपने गैप लिया है करियर का. सो ज़रूरत क्या बन जाती है कि आप कारोबार करें, बिज़नेस करें, और हमारे मज़हब ने भी इसको बड़ा सपोर्ट किया है कि जो तिजारत है, जो बिज़नेस है, वो एक बहुत अच्छी उसको फील्ड बताया गया है. क्या क्या किया जा सकता है? आप टेक्सटाइल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप कुकिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विस से रिलेटेड काम कर सकते हैं. अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ी सी फर्दर क्लैरिटी देना चाहती हूँ. टेक्सटाइल में 90% बच्चियाँ ख़वातीन ड्रेस डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं. मैं हमेशा कहती हूँ, बिकॉज़ मैं ख़ुद मार्केटिंग या ब्रांडिंग से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप उसकी मिसाल बन जाएं जिस काम को करें. अगर आप अच्छी कुक हैं तो आपका खाना जब सर्व हो तो पीपल शुड अप्रीशिएट एंड आस्क कि जी ये कहाँ से आया. अगर आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं तो आपको क्या 100 लोगों ने या मल्टीपल ओकेजन्स पे लोगों ने पूछा है कि आप बहुत अच्छा ड्रेस डिज़ाइन करते हैं? सो हमारी बच्चियाँ थोड़ी सी गलती ये करती हैं कि अगर टेक्सटाइल में आती हैं तो वो ड्रेस डिज़ाइनिंग में आती नहीं. और फिर अगर चलिए ड्रेस डिज़ाइनिंग में आती भी हैं तो उसके अंदर भी तो डायमेंशन है ना. अब फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है, सो मैं कोशिश करती हूँ मेरी बेटी के कपड़े कोई डिज़ाइन करने वाला. एग्जैक्टली. बच्चों के बहुत सारे डिज़ाइन बच्चों के लेकिन कपड़ों नहीं, की नीड नहीं देते टेक्सटाइल में. आपने रहना ना, आप इसमें मल्टीपल स्टिचिंग अवेलेबिलिटी नहीं है. आपने बना के क्यों बेचना है कुर्ता? क्योंकि उसमें चैलेंज क्या आता है? आप मार्केट को नहीं स्टडी करते. मार्केट सैचुरेटेड है, इतने बड़े ब्रांड्स हैं जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे काम कर रहे हैं. खाड़ी है या एथनिक है या सैफायर है, दे वर्किंग ऑन इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. उनका बाइंग पावर बहुत बड़ा है. बिल्कुल. आप उस प्राइस पॉइंट पे अपना रॉ मटेरियल नहीं बाय कर सकते. सो आप बेडशीट्स में क्यों नहीं जाते? आप कर्टन्स बनाने में क्यों नहीं जाते? आप टेबल क्लॉथ्स में क्यों नहीं जाते? आप बेड कवर्स बनाने में क्यों नहीं जाते? आप कुशन्स बनाने में क्यों नहीं जाते? आप दस्तरखान की प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो टेबल के दस्तरखान होते हैं, टेबल नैपकिन होते हैं, आप उसमें क्यों नहीं जाते? आपने कपड़ों से रिलेटेड रखना है, आपने दस्तकारी रखनी है, आपने बच्चियों से काम करवाना है. आप सिंपल दुपट्टों में क्यों नहीं जाते? हिजाब, स्कार्फ्स. इनफैक्ट वर्किंग वेमेन को तो ये भी चैलेंज है कि उनको कलर दुपट्टा कराने के लिए मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता. आप सिंपली 500 रंग का दुपट्टा कलर करा के ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि कारोबार वो करें जिसकी मार्केट में नीड है. उस कारोबार में ना जाएं जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा एंट्रेंस हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो फोकस सिर्फ हमारी एज की ख़वातीन के लिए ड्रेसेस पे करते हैं, बच्चियों के लिए नहीं करते, छोटे बच्चों के लिए नहीं करते, कुर्ता शलवार की वो है। अच्छा, फिर बहुत सारे स्कूल्स की डिमांड होती है एथनिक क्लोथ्स की कि जी कश्मीरी बन के आएँ, सिंधी बन के आएँ। आपने एक पूरा स्टोर ही बना दिया हो कि जहाँ पे बच्चों को कल्चरल ड्रेसेस मिलते हैं। आपको एक्सपीरियंस होगा, मुझे एक्सपीरियंस है कि जब आता कश्मीर डे है या पाकिस्तान डे है तो बच्चा पंजाबी बन के आए या पख्तून बन के आए। वैसे स्पाइडरमैन ही बनता है। आई थिंक वो दिन भी सेलिब्रेट ज़्यादा करने चाहिए, वो हमारी कल्चरल। सो बहुत काम है जो किए जा सकते हैं। इसी तरह खाने में टिफिन सर्विस हो सकती है, सैलड बॉक्सेस हो सकते हैं। अब आप देखिए उस उन चीज़ों की नीड है। अच्छा, कुछ वुमेन भी वुमेन को सपोर्ट नहीं करती मुझे लगता है, बिकॉज अब पर्सनली हम फॉर एग्जांपल किसी ऐप से हम ऑर्डर करते हैं तो अब बाकायदा उधर आता है होममेड शेफ, तो मैं खुद स्पेशली देखती हूँ कि यार इसको सपोर्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं, और अक्सर इट कम्स आउट वेरी वेल, बहुत अच्छी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। सो आपको लगता है ये जो सपोर्ट फैक्टर है वुमेन की तरफ से भी कम होता है अक्सर? आई थिंक सपोर्ट फैक्टर वेमेन की तरफ से वेमेन के लिए कम नहीं, हम एज अ नेशन शायद जनरली मर्द भी मर्दों को सपोर्ट नहीं करते, वो नंबर में ज़्यादा नज़र नहीं आते, हम नज़र ज़्यादा आ जाते। सो सफिशेंट सपोर्ट मुझे लगता है अवेलेबल है। हमें इस माइंडसेट से निकलना है, एक हम ख़वातीन ने एक माइंडसेट बना लिया कि जी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कोई मर्द भी ये सोचेगा ना कि जी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो वो आगे नहीं जा सकता। इतनी ही सपोर्ट अवेलेबल होती है, इससे ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती है। वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम आवर कम्फर्ट जोन। हमें ये बेचारापन और ये सोच को ना अब पीछे फेंकना होगा कि हमेशा ही कोई हाथ पकड़ेगा, हमेशा ही कोई आगे लेके जाएगा। क्यों मैं आपसे ऑर्डर करूँ कढ़ाई अगर मुझे वही घर का बना हुआ खाने से बेहतर टेस्ट एक रेस्टोरेंट उससे कम पैसों में दे रहा है? वाई वुड एनी वन सपोर्ट अ बिजनेस? सो आपको कुछ ऐसा स्पेशल करना है कि लोग आपकी चीज़ को प्रेफर करें इन कंपैरिजन टू एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है, हमें अपनी टाइमलाइंस, हमें अपनी कमिटमेंट टू डिलीवरी को बहुत अच्छे से लेकर चलना है।